कंटिन्यू। हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले ये हॉवर्ड पोजीशन बनाया था कार्बोहाइड्रेट का आइसोमर। पाइरेनोसिन। हाँ पाइरेनोसिन बनाया था। H है वो H है, H है वो H, ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो आप। H है वो H है, यहाँ पर भी आप वो H और H कर लो, ये आपका CH2OH हो गया और ये आपका H, देख लो ये अल्फा कार्बन है पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा कार्बन, ये मोनोसैकेराइड है। एक मोनोसैकेराइड और दे दिया हमने इसके साथ, ये वाला CH2OH। इधर क्या है आपका OH, H, बाकी सब ऐसे रहेगा जैसे रहता है। H2O निकाल देंगे ना यहाँ से। Yes, sir. तो ये अल्फा वन है, ये अल्फा वन टू थ्री फोर, तो जो बॉन्ड बनेगा अल्फा वन कॉमा फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कितना मजा आता है जब बच्चों की चीजों सिखा दो और बच्चे बोलना शुरू कर दे। वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो भाई, अब क्या करेंगे? और एक OH में से H हटा देंगे। बाकी सब इसको ऐसे ही रखें, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अल्फा वन फोर, ये तो पोजीशन के बेस पर है ना, अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सीखे कि नहीं सुहानी सिन्हा? सीख गई है बॉन्ड बनाना? तो मुझे आता है। अरे वाह शाबाश, तब तो बहुत अच्छी बात बेटा। तो ये बॉन्ड बना करके ऐसे गोला गोला जोड़ लेना, कौन जो जुड़ेगा? ये ओ वाला जुड़ेगा, ये वो जो दिख रहा है ना किले वाला, ये। प्रियांशु तुम्हारे पीछे ये तो एम्स है जी। हाँ मैं परेशान था इसको। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ वी आर गोइंग टू आवर रनिंग टॉपिक। सर आपने कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस पढ़ने को दिया था, पढ़ लिया होगा? यस सर। डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन जरा सा बताइए आपने। क्या बताएं? डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ मैन, जैसे आप ऐसे करोगे तो हो हो किरुमन, ऐसे अगर आप कर रहे हो, आप ऐसे हाथ जोड़ो ऐसे, अगर ये लिटिल फिंगर का टिप अगर आपस में जुड़ता नहीं है तो आप डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाता है, ठीक
ठीक है, अगर ये आपस में से जुड़ जाता है तो ये रिसेसिव है, ठीक है। आपकी उंगली पर यहाँ पर अगर हेयर्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे मेरे है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, लड़कियां ना ढूंढे, सर मुझे लगा आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो, मुझे भी ठीक है। उसके बाद जबान को रोल करने वाली बात हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबान अगर नहीं रोल करती, कर रही है, देखो चेक करो, हाँ हाँ हो रही है, ये देखो सबकी हो रही है, इसकी नहीं होती है, धनंजय की नहीं होती, धनंजय की नहीं होती सर, क्योंकि धनंजय का जो ईयर लोब है वो चिपका हुआ है, फ्री नहीं है ईयर लोब, अगर जिसका फ्री है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जिसका चिपका हुआ है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और एक चीज और बता दे, बड़ी काम की बात सुनना, जो लोग रिसेसिव ट्रेट वाले होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम होते हैं, ये जेनेटिक्स कहती है, मैं नहीं, जेनेटिक्स कहती है, इन जनरल की बात है। yes, sir, वैसे लोगों की आंखें कैसी होती हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट वाले होते हैं उनकी आंखें कैसी हो जाती हैं, भूरी हो जाती हैं, नीली हो जाती हैं, ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, ठीक है। आंखों का जो कलर है, आंखों का जो ट्रेट है, वो रिसेसिव में आता है, जिसका डार्क कलर है वो कैसा है, ठीक है, जिसका डार्क कलर है वो डोमिनेंसी में आता है। अब आप देखो कान के ऊपर, ये कान के ऊपर जो बाल निकलती है तो मेल का कैरेक्टर होलेंड्रिक सिंड्रोम में आता है, हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या एक्चुअल में, आज हम आपको बता देते हैं। ये डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ है, जो मेंडलिज्म था, मेंडलिज्म से डेविएशन की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि आधा अधूरा डोमिनेंसी। इसमें होता क्या है, जब हेटरोजाइगोट डोमिनेंट एलील अपना पूरी तरीके से रिसेसिव के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, अपना असर नहीं दिखा पाता, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, तब हम उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। और उसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलप होता है, जो ट्रेट हमें दिखाई पड़ता है, वो ट्रेट ना तो पेरेंट की तरह होता है, पेरेंट में ना तो डोमिनेंट की तरह होता है, ना तो रिसेसिव की तरह होता है, बीच का हमें इंटरमीडिएट दिखाई पड़ता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट की बात करेंगे, तो लिख लीजिए आप लोग हमारे साथ, है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, in a heterozygote dominant allele does not completely mask the phenotype या phenotypic expression of the recessive allele, and there occurs an intermediate phenotype in the heterozygote. In the heterozygote,
दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये है डेफिनेशन. ठीक है, ठीक है. लिया क्या गया इसमें, लिया गया एक रेड कलर का फ्लावर लिया गया, रेड फ्लावर लिया गया जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया. एक हमने क्या लिया बेटा, व्हाइट फ्लावर लिया जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया. हम जानते हैं कि इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर. इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर. दोनों को हमने फ्यूज करवाया, जो हमें F1 प्रोजेनी मिली वो F1 प्रोजेनी हमारी क्या थी, कैपिटल आर और स्मॉल आर. ये हमारी F1 प्रोजेनी. ठीक है, और काम की बात, मजेदार बात ये थी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है हमारा ये कैसा था, ये था आपका पिंक. अब भाई मुझे तो खाली पिंक पता है, लड़कियों को बहुत सारा पिंक पता होता है, बट जो फ्लावर आपसे दिखेगा वो कौन सा होगा, बेबी पिंक हो. ठीक है, अब हुआ क्या कि इनकी हमने करवा दी सेल्फी. इनकी हमने क्या करवा दी बेटा, सेल्फी. जब हमने सेल्फिंग करवाई तो आपको मालूम है इनका जो गैमेट बनेगा वो कौन सा गैमेट हो, कैपिटल आर और स्मॉल आर. ये गैमेट बनेगा, ये F1 गैमेट है. क्या है, ये है आपका F1 गैमेट. इस F1 गैमेट का हमने वो क्या करवाया बेटा, क्रॉस करवाया आपस में. चलिए, एक तरफ आपने लिख दिया कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी आपने रख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर. तो आपको क्या मिला, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. ये जो आपका आया, ये आपका आया F2. ये क्या आया आपका F2. तो इसमें F2 जनरेशन में आपने क्या देखा, F2 जनरेशन में आपने देखा एक तो आपका रेड है कैपिटल आर एक आपका है. दो आपका पिंक है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आपका क्या है पूरी तरीके से वाइट स्मॉल आर स्मॉल आर. यानी यहाँ पर इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो दोनों ही क्या है, 1:2:1. ठीक है, सर ये जो हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं ये कॉमन है सबके लिए, यूनिवर्सल तो नहीं, ये डेविएशन है मेंडेलिज्म का. अच्छा, अब जो फ्लावर हमने लिया था, इस फ्लावर के ऊपर सवाल आता है, फोर ओ क्लॉक प्लांट लिया था जिसको हम बोलते हैं मिराबिलिस जाल्पा. जालपा या जलापा जो आप पढ़ लो, या स्नैप ड्रैगन लिया था एंटी राइनम मेजर, या हमने क्या लिया था डॉग फ्लावर, एंटी राइनम. तो सर इसे डॉग फ्लावर भी तो कहते हैं, स्नैप ड्रैगन कहते हैं नॉर्मली.
ड्रैगन कोई सभी लिया सामने, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों के अंदर आपको कैरेक्टर्स ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, रिजल्ट आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमेन। और देखिए इसका एग्जांपल और क्या था, एंडलुसियन फाउल के बारे में आपने सुना है? यस सर। एंडलुसियन फाउल सर, इसमें जब ब्लैक कलर फाउल को व्हाइट से क्रॉस करते हैं तो ब्लू मिलता है। ये ब्लैक फेदर वाला फाउल था और कैसा था, एक व्हाइट कलर वाला फेदर था, इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया था तो F1 में हमें क्या मिला था, ब्लू मिला था जो कि इंटरमीडिएट, ठीक है, ब्लू फेदर। आप मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे कैपिटल बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ब्लैक को, और स्मॉल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को, इसका जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल बी, इसका जो गैमेट बनेगा स्मॉल बी, इन दोनों के बीच में क्रॉस जब होगा तो कैपिटल बी और स्मॉल बी आपका आएगा ब्लू फेदर आएगा, और ये क्या है आपका F1। जब आप इसकी सेंसिंग करवा दोगे, जब आप इसकी क्या करवा दोगे, सेंसिंग करवा दोगे, आपको क्या मिलेगा, कैपिटल बी इज टू टू कैपिटल बी स्मॉल बी और ये सिंगल स्मॉल बी स्मॉल बी, ये हमें मिलेगा, ठीक है, मतलब वन इज टू टू इज टू वन, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबका कैमरा ऑफ किए हुए है, जरूर दीवार को हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा कि मैं पसीने से भीग जाता हूँ और तुम लोगों को एहसास नहीं होता, बताओ। अरे यहाँ तो आज ठंड है, जैसा ठंड हमको पता का वो बच्चा सर बाहर आया वो तो कुत्ते से एलिवेटर लेकर से दे रहा हूँ, तो फिर इसकी क्लास लेनी है बेटा, तुमसे तो कोई शिकायत ही नहीं, जो ताजमहल के आसपास है तो उससे कोई शिकायत नहीं। सर कमला नगर वालों से भी नहीं ना? कमला नगर वाले खाना कमला नगर वालों से शिकायत करी है। चलो इसको लिख लो जल्दी से। सर हाइट में डोमिनेंस और रेसेसिव होता है किसमें? हाइट हाँ, टॉल और डॉर्फ, टॉल डोमिनेंट डॉर्फ रेसेसिव। तुम ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कीर्ति शर्मा। इतना मासूम से सवाल पूछती है, ऐसा लगता है कि बस ये अभी अभी क्लास टेंथ से पास हुई ये बच्ची, और बस अभी जेनेटिक्स नाम का शब्द इसने पहली बार सुना है। मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और तुम्हें हाइट में जो है डोमिनेंट और रिसेसिव पूछा जा रहा है। ओहो सर ह्यूमंस में महात्मा गांधी नाटेकत के थे, हिटलर नाटेकत का था, सब डोमिनेंट थे पूरे समाज में। ह्यूमन बींग्स में डोमिनेंसी टॉल और डॉर्फ से नहीं होता, उसकी पर्सनालिटी से होता है। तो एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दी। डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के थे, 5'2" की हाइट थी, पीएम थे, पूरा देश चलाए थे। को मतलब डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, मतलब जब दो एलील आपस में एक दूसरे के साथ
अपना अपना एक्सप्रेशन डायरेक्ट शो कर, जैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, तुम्हारा ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, ब्लड ग्रुप सिस्टम तुम्हारा जो है आपका मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें लिखिएगा समटाइम्स, मैं बोल रहा हूँ लिखिए, समटाइम्स बोथ एलील्स ऑफ अ जीन, लिख बेटा जल्दी से, समटाइम्स मैं नहीं लिख रहा, समटाइम्स बोथ एलील्स ऑफ अ जीन इन अ हेट्रोजाइगोट, इन अ हेट्रोजाइगोट लैक 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 रिलेशनशिप That is, both alleles express themselves. Both alleles express themselves. Therefore, F1 generation resembles both parents. बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो अब तक देखा गया है वो है आपका ए बी ओ ग्रुप बी, हमने इसका क्रॉस भी करवा के सीखा है ना आपको, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। टेंथ तक मजे आते थे बस क्रॉस कराने में, अभी क्वेश्चंस देखे तो हो भी नहीं रहे। अब ये जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, तो ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उस जीन को हम कहते हैं आई, आई जीन इन ब्लड ग्रुप को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, ठीक है, आई जीन। अब इस आई जीन के पास तीन एलील्स होते हैं, इसके पास तीन एलील है, कौन कौन से, आई ए, आई बी और आई नॉट, ठीक है, ये सिंपल सा आई। इसमें मैं आपको बता दूं, आई ए और आई बी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कोडोमिनेंस के ऊपर है, बट आपको मालूम होना चाहिए आई ए इज डोमिनेंट ओवर दी आई नॉट एंड आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर दी आई नॉट। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एलील मौजूद है, कौन सा एलील, आई ए, आई ए अगर प्रेजेंट है तब ये दिखाएगा ब्लड ग्रुप ए, और अगर ये आपका है आई ए आई नॉट है तब ये ब्लड ग्रुप दिखाएगा ए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी अमीन ने बताया अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो ए वाला क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है, यस सर। दूसरी तरफ आप देखो, अगर मामला ऐसा है आई ए आई बी
तब यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आएगा ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, कोडोमिनेंस हो गया। अगर आपका ब्लड ग्रुप होता है आई बी आई बी, तब यहाँ पर ब्लड ग्रुप आएगा आपका बी, और अगर ब्लड ग्रुप आपका एलील आपका आई बी आई नॉट है तब भी ब्लड ग्रुप आएगा आपका बी। ये बात समझ में आई? यस सर। सर इसमें कोडोमिनेंस सब में होगी या सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप में? नहीं, खाली ए बी में होगा कोडोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कहाँ कोडोमिनेंस दिखता है, देखो ये वाला देखो। यस सर। ये वाला देखो, ये वाला देखो, कहाँ कोडोमिनेंस दिखता है? एक क्वेश्चन लिखो, what will be the possible blood group in a children, what will be the possible blood group in a children, possible blood group in a children, in a hata dena, a hata dena, in children from the parents with b and ab blood group, from the parents with B and AB blood group, B and AB blood group, AB, B and AB, मतलब माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या है? B और AB। जल्दी इसका आंसर बताओ। You have to B और AB। क्या? सर AB। पूछ रहा हूँ। सर B और AB है। अबे नहीं यार, बी है और ए बी, माता पिता का ब्लड ग्रुप एक का बी है और दूसरे का ए बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? निकालो पॉसिबिलिटी सारी जल्दी। सर बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। बी हो सकता है और बी और और ए बी, ए बी हो सकता है यार। देखो ब्लड ग्रुप बी है ना, तो ये जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के लिए दो कंडीशन बन सकती है ना, एक तो होमोजाइगस की कंडीशन बन सकती है और एक हेटेरोजाइगस की कंडीशन बन सकती है। यस सर। अगर होमोजाइगस बनाएंगे तो आई बी आई बी हो जाएगा, और हेटेरोजाइगस बनाएंगे तो आई बी आई डॉट हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप ए बी के लिए आपका आई ए आई बी होगा खाली। यस सर। तो आई ए आई बी का क्रॉस, सुनो, आई ए आई बी का क्रॉस आप दोनों पॉसिबिलिटी के साथ करवा दीजिए, होमोजाइगस के साथ भी करवा दीजिए और हेटेरोजाइगस के साथ भी करवा दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। सर ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, बाकी तो बाकी बच्चे ऐसे चुपचाप बैठे हुए जैसे मैं उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं आती। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ लो। अम्मा अब नाम क्या खराब करो, तुम लोग मूक दर्शक बने रहते हो। तुम्हारा जवान क्या नहीं चल रहा प्रियांशु मिश्रा? हाँ, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? नहीं सर। तो जवाब क्या नहीं आता है? ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे तब भी ये चीज पढ़ाई थी, वहां पर भी पढ़ाया था ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, बताया था। ठीक है, यहाँ आज किससे बता रहे हैं हम? देखिए, पूछा गया है माँ बाप का ब्लड ग्रुप ये है, ठीक, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है?
ब्लड ग्रुप ए भी आपका है, इसके लिए जो एलील होगा वो आई ए और आई बी होगा, और जो ये मान लेते हैं ये कौन है, ये मदर है, और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, डी है, इसकी पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, या तो ये आई बी हो सकता है या आई बी आई नॉट, ठीक है। तो जरा सा देख लीजिए आप, ये जो इसका गैमेट बनेगा ये आई ए आई बी, इसका सिस्टेक बनेगा आई बी, इसका आई बी आई नॉट। जरा सा देख लीजिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, दो कंडीशन हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, इधर मदर को रख सकते हैं आई ए आई बी, इधर फादर का ये वाली कंडीशन रख लेते हैं, पहली वाली कंडीशन रख लेते हैं आई बी आई बी, देख लो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, इसका प्रोसेस से करवाएंगे तो ए बी बनेगा, ए बी इसका प्रोसेस से करवाएंगे तो ए बी, ठीक है, इसको प्रोसेस से करवाएंगे तो ए बी, मतलब 50% चाइल्ड क्या होगा ए बी होगा, और 50% चाइल्ड कैसा होगा बी होगा। दूसरी दूसरा सिनेरियो देख लीजिए, आप चलो इधर हम मदर को रखते आई ए आई बी आई नॉट आई नॉट, जरा सा देख लीजिए ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाएगा, आई बी आ जाएगा, ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा, ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा, है ना, यस सर। So 25% A B, 25% A और 50% B। तो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ज्यादा है, मतलब जहाँ पर ज्यादा ब्लड ग्रुप है वही वाली कंडीशन लेते हैं। इन जनरल अब आप समझ लीजिए बात, अगर किसी सवाल में अगर कंडीशन नहीं दी हुई है कि होमोजाइगस या हेटरोजाइगस, तब आप उसको हेटरोजाइगस कंसिडर करेंगे, ठीक। यहाँ पर 25% आपको क्या आ गया है ए बी, 50% आपका आ गया क्या बी, और 25% आपका क्या आ गया ए। ऑप्शन में जो ये तीनों रहेगा ना, आप उसी को चूज करना, समझ गए। आपसे सवाल पूछे जाए Which of the following blood group is considered the example of codominant? ये चार ऑप्शन दे दिया है, ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी में वो दे दिया है, क्या ऑप्शन, फर्स्ट वाला ए, ए होगा, ए भी जो होगा codominant example है, सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सर थोड़ा सा नोट करना था उसमें, नोट करो, हो गया सर, हो गया, यस सर। अगला एग्जाम्पल है आपका सिक्सो से लेने, सिक्सो से लेने,
ठीक है, ये भी आपका जो है कोडोमिनेंस का नीचे नीचे आम पड़े। जरा बताओ क्या होता है सिस्टर से लेने में? फिर म्यूटेशन हो जाती है जीन में। म्यूटेशन कहाँ पर होता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? सर सर आरबीसी की जो शेप होती है वो बाय कॉनकेव से कॉनकेव से ये बन जाती है सिकल, मतलब पिचकी हुई जाती है पूरी आरबीसी की शेप। इसमें क्या होता है मालूम है? ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या जाता है? वैलिन आ जाता है। हाँ सर, सब सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या जाता है? वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा आरबीसी का शेप है वो बाई कॉन्केव से कट करके कैसा हो जाता है? सिकल। ठीक है, वो सिकल शेप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है आपका HbA ये आपका नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल लिवर सिकल सेल से कंटेन वन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन ए। लेकिन अगर ये जब ऐसे हो जाता है HbS ये नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि ये क्या होता है? ये सीवियर हो जाता है और ये फेटल हो जाता है, मृत्यु पारी हो जाता है। फेटल ये एनीमिक हो जाता है, फेटल एनीमिया। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन एफ पाया जाएगा। ठीक है, इसी में जो आरबीसी की जो शेप है सिकल शेप की हो जाती है। सिकल शेप होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। खत्म। फिर आपका आता है HbA और HbS। ठीक है, ये कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी भी क्या होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा? लो होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे इसका इनहेरिटेंस मैं आपको बता दूं कि ये लिखी आपने? हाँ सर। यस सर। मान लीजिए कि एक सिकल सेल कैरियर है, ये आपका है सिकल सेल कैरियर। सिकल सेल एनीमिया आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। दूसरी तरफ भी हम क्या लेते हैं बेटा? सिकल सेल कैरियर। ठीक सर, आपने दो जगह यही लिख दिया है। हाँ ठीक, जानबूझ के आप चेंज कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं चेंज करके। तो आप देखिए HbA HbS HbA HbS। ठीक है, अब इससे जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या बनेगी जरा निकाल। सर HbA HbS ये दो होंगे सेम, और एक HbS HbS। हमने एक तरफ रखा HbA HbS HbA
एच बी एल। तो हमने क्या करना है बेटा, एक्सोट्रॉफिक के साथ, एक्सोट्रॉफिक के साथ तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका आएगा एच बी एच बी ए और एच बी ए क्या आएगा, एच बी एच बी एस एच बी एस एच बी एस एस दूसरी तरफ क्या आएगा आपका एच बी एच बी एस फिर एच बी एस एच बी एस ठीक। ये क्लियर हुई बात? यस सर यस सर। ये नॉर्मल क्वेश्चन ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये कैरियर, ये भी क्या है कैरियर, नॉर्मल तो दिखेगा ये भी बट ये कैरियर, और ये क्या कर जाएगा इंफेक्टेड, डाई कर जाएगा मर जाएगा ये भाई, ये होमोजाइगस रिसेसिव, क्या ये होमोजाइगस, ये क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट एच बी ए और एच बी ए जो है ये आपका है होमोजाइगस डोमिनेंट और ये आपका एच बी एस बी एस ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव और ये डाई कर जाएगा। हमारे यहाँ बारिश होने लगी, ऊपर वाले को लगा कि हम बहुत पसीने में बारिश कर, चलो अच्छा है। तो इसमें क्या था, ये पॉन्ड म्यूटेशन का बेसिक एग्जांपल है या सिकल सेल एनीमिया, इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या हो जाता है वैलिन नाम का प्रोटीन, तो वैलिन नाम का अमाइनो एसिड आ जाता है ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज देखिएगा, देखो ये नॉर्मल सा डीएनए सीक्वेंस है, आपको आगे समझ में आएगा जब मैं पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाऊंगा तब भी। ये डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें ये क्या है, ये कोडॉन है सी ए सी जी टी टी जी ए सी टी टी ए टी ए सी टी सी, ये जो सी है साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन थायमिन गुआनिन guanine adenine cytosine thymine guanine adenine guanine guanine adenine cytosine thymine cytosine cytosine thymine cytosine, ये क्या, ये ट्रिप्लेट कोडॉन्स होते हैं और हर एक कोडॉन जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है ठीक है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो अमीनो एसिड ये डीएनए में ये कोडॉन के सीक्वेंस थे, अब जैसे ये वाला था ये किसको रिप्रेजेंट करता था, वैलिन को, फिर हिस्टिडीन को, ल्यूसीन थ्रियोनीन प्रोलीन एंड ग्लूटामिक एसिड एंड सो ऑन। तो ये नॉर्मल आरबीसी आपको दिखाई पड़ रही थी, नॉर्मल आरबीसी आपको दिखाई पड़ रही है ठीक है, ये आपको नॉर्मल आरबीसी आपको दिख रही है अच्छे से। यहाँ पर नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, इसे आप ये देख रहे हो कि दूसरी तरफ जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो डीएनए सीक्वेंस आपका सब कुछ सेम तो रहता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर आप देखिए यहाँ पर था, ये देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा बड़ा करिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, थायमिन और एडेनिन की पेयरिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया, एडेनिन और थायमिन दिख रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस क्या था, सी टी सी था और जी ए जी था, यहाँ पर क्या हो गया, सी ए सी और जी टी जी हो गया। तो ये ग्लूटामिक एसिड ना बन करके क्या हो गया, वैलीन, और ये क्या बेटा, ये म्यूटेंट हो गया, ये क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया और आपकी आरबीसी इस शेप की होगी, सिकल शेप की होगी ठीक है। तो चलो इसको बना लेते हैं, सर ये याद करना है कि सी ए सी और जी टी जी वैलिन को कोड करते हैं। नहीं
ये आपको नेवर इंटरेस्टेड इन लूपिंग सेम सेम डैमेजेशन होता है. Dense. ये डीएनए का सीक्वेंस है ना, तो मुझे वाला फाइव प्राइम थ्री प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम और ये जो स्ट्राइजर आप क्या लगा दोगे, ये एमआरएनए, ये डीएनए ऊपर वाला, ये क्या है एमआरएनए, हमारे इधर आपका फाइव प्राइम है, इधर आपका थ्री प्राइम है. उसके बाद आपका एग्जांपल आता है. अच्छा, दोनों के बीच में आप डिफरेंस हमें बताएंगे, आपका होमवर्क चाहिए. इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका को डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, इनके बीच में आप डिफरेंस बताएंगे. ठीक, कल की डेट में हम लोग आपको पढ़ाएंगे मल्टीपल एलिडिजन और उसके आगे की चीजें. ठीक है, ठीक है सर. तब तक के लिए बाय बाय. एक सेकंड पहले वाला साइड करा दीजिए. थैंक यू सर. हो गया सर.